आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। ये बंधन हाँ प्यार के भाई, अरे भाई अब तो उठ जा, देखा कितना टाइम हो गई। वाह अब है, उठ जा भाई, देखा कितना टाइम हो गई। अरे यार भैया यार, 2 मिनट दे दे रहे। अच्छा ठीक है, तो अरे खातिन दूध और ब्रेड रेडी के लिए बानी, खा के कॉलेज जाया। ठीक भाई, ओके बाय। पता ना कब भाई यार। अभी एक चाप आ जाए। जहां पना सेना तैयार है, आक्रमण का आदेश दीजिए। कौन सा किला पहले फतह करना है भाई साहब? पहले सेना पढ़ेगी फिर लड़ेगी, और पढ़ेगी सेना तभी तो बढ़ेगी सेना है। यार खुद दिन रात पढ़ते रहते हो और साथ में हमें भी घसीटते हो। चलो चलो भैया, अभी बहुत लेट हो गया, चलो जल्दी चलो। हाँ चलो चलो जल्दी भाई, जल्दी जल्दी भाग, नहीं तो जीवन खराब हो जाए बेटा। आंख नीचे का बता रहा बाड़ू की पूछ रहा बाड़ू? ओ गुस्से में चेहरा टप के लाल हो गया, एक छोटे से धक्के में बवाल हो गया। सरा उठवा पिला के ला
चमन फेस के डिजाइन तोहर बढ़ावे बेताबी राजनीति और कूटनीति में अंतर बताओ। सूरज तुम बोलो। सर राजनीति मतलब नेतागिरी और कूटनीति मतलब कुटाई वाली नीति। सही बोल रहे हैं सर, रंजीत से पूछ लीजिए। हाँ सर, जो बात से नहीं समझता उसको लात से समझाना पड़ता है। जैसे तुम जैसे गधों को समझाना पड़ता है। सर सर राजनीति से सर देशों में शासन व्यवस्था और सरकार चलाई जाती है ताकि लोकतांत्रिक हितों की रक्षा हो सके, और हमारा कूटनीति से जो है हम बाहरी देशों से संबंध और सुरक्षा तैनात करते हैं। और ऐसा है सर कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई देश सामने वाले देश से लड़े बगैर ही उसे हरा देता है सर, इसी को कूटनीति कहते हैं सर। कूटनीति के कारण ही आज जो इंडिया है, भारत है, वो कई बाकी देशों से बहुत ज़्यादा आगे सर। देखो कुछ सीखो, है ना, पढ़ाई हो या स्पोर्ट, हर चीज में नंबर वन। अब है जितनी एनर्जी तुम है ना फालतू के कामों में लगाते हो, उतनी अगर पढ़ाई पे ध्यान दो तो कॉलेज नहीं स्टेट लेवल पे है ना तुम फर्स्ट आओ। सर मतलब क्या करें, अब आंख पे मोटा चश्मा लगा के, चेहरा फुला के, मुंह सजा के स्कॉलर बनने का एक्टिंग तो नहीं ना कर सकते हैं सर। पुराना हो गया सर, आप भी कुछ नया ट्राई करिए। अरे सर कल कुछ याद आया, कल आपको बाइक पे देखे वो मैडम थी, मतलब कोई तो मैडम थी। हाँ पर वो मैडम नहीं थी। सर कौन थी? तुम लोग नहीं सुधरोगे, मेरे क्लास का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। सर सर बताइए ना सर, सर सर सर। अब है? हाँ। अरे भाई जल्दी आवा, पेट में चूहा कुद्दा था, बहुत तेज भूख लगल भाई। अरे यार तो भाई खा ले भी चाहिए ना यार। अच्छा आज तक तुहरे बगैर खेले हैं, क्या आज खाब? ओहो लव यू भैया लव यू। नौटंकी कितना चाहिए? भैया पैसा पैसा खाली पैसा पैसा करत रह तू है, भाई के प्यार के पैसा से तोला ताड़ा है। अरे लव यू यार। अच्छा खाली एक ही बात के हमके डर लागत था कि जे दिन भाभी घर पे आ जाए वो दिन तो हमने के बीच दरार पैदा हो जाए। दरार? दरार और तोहरा हमारा बीच में। यस दरवाजा इधर है, यही रास्ता से निकाल दे। अरे हम दोनों भाई ये घर में रह जाए एकदम फाइल के बिंदास। yes, king size life। और वैसे भी ना हमारा कहीं शादी ब्याह के झंझट में ना पड़े के। है? हाँ। काय? अरे मतलब
ना मतलब कुछ आहू बोले कहिया ले ना पड़े के बा अरे चाची चाची कहा कुछ लाल बड़ी कहा कब ले चूल्हा फूक के तोहन लोग अपन हाथ जराई बा इला ओ हो मशरूम मशरूम माय फेवरेट चाची हाँ तो रात में जादू बा यार जादू बा सचो लव इट कमाल ए बेटा हम हुई जादू देखे चाहता नहीं यही नाते कहता नहीं कि बिया कर ला अरे दुल्हन आई तो नीमन नीमन सब्जी बना के खियाई हाँ चाची अब सब्जी खाए खातिर के उसूली पे चढ़ी अरे बिया बर्बादी होला ए बेटा बिया के बाद आदमी बर्बाद ना बल्कि आबाद होला चाची आबाद ना होला आबादी बढ़ेला कुछ कोहला का ना ना मशरूम हाँ बढ़िया बना बहुत अच्छा हाँ बहुत कल हम फिर लेके आए पक्का हाँ और सुना जोन कहनी है याद रखिया पक्का चाची हाँ पक्का दुलाइन चाहिए हम रखे अच्छा इतु काम आ चक्कर थोगा का अरे चाची यहाँ पर हूँ काम क्या करी अरे भाई मतलब कहाँ है यार मतलब अच्छा कहाँ अरे क्लास में नई मैडम आई है अच्छा रजिस्टर मेंटेन कर रही है और जो टाइम से नहीं पहुंच रहा है उसका एब्सेंट मार्क कर रही है क्या कर रही है एब्सेंट कर रही है ऐसे कैसे एब्सेंट कर रही है अरे का बताएं मैडम बहुत खूबसूरत है बहुत खूबसूरत May I come in, madam? Sorry, you all are too late. Yeah, we're just 10 minutes late. 10 minutes nahi, 15 minutes. Aur meri class mein 15 minutes to kya, 15 second bhi late nahi aa sakte. Theek hai, ma'am, sorry. Kal se nahi aayenge. Padhna hai to time pe aao. Ma'am, achhe language mein hi bol raha hu. Please, mere ko andar aa jaane dijiye na. मैं भी अपनी लैंग्वेज में कह रही हूँ कि आज तो आप क्लास में नहीं आ सकते मैडम प्लीज सामने से हटिए और हमको अंदर जाने दीजिए प्लीज नहीं तो क्या धक्का मार के अंदर जाओगे क्या बात कर रही हैं आप धक्का मारूंगा मैं आपको टीचर हैं आप इतने संस्कारी हो तो सम्मान क्या करो आज तो तुम्हें क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी एंट्री तो मैं ले करूंगा मैडम मेरे होते हुए तो ये संभव नहीं है बाकी तुम देख लो क्या कर सकते हो ठीक है मैम आप क्लास चला लीजिए मगर एक बात जान लीजिए अगर मैं अंदर नहीं आया ना यहाँ कोई नहीं पढ़ेगा अच्छा मेरे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता मैडम आप एग्जैजरेट कर रही हैं खींच रही हैं बात को प्लीज अंदर आने दीजिए यार प्लीज आप जाइए प्लीज हद है यार क्या हो रहा है सर जाइए एक्सक्यूज मी जाइए प्लीज प्रिंसिपल मैम अब है क्या हुआ हाय मैम मैम ये मेरे को क्लास में एंट्री नहीं करने दे रही है मैं मात्र 10 मिनट लेट हूँ और आप इनको बताइए कि अगर मैं क्लास में नहीं बैठूंगा तो यहाँ पे कोई नहीं पढ़ेगा अरे मैडम जी आप बात को समझिए जाने दीजिए क्यों मैडम क्यों जाने दूं आप जैसा समझ रही हैं ना वैसा लड़का नहीं है ये लड़का कॉलेज की शान है अच्छा मैडम शान बोलकर इस कॉलेज का स्टैंडर्ड मत गिराइए अगर आप चाहती हैं कि मैं इन्हें क्लास में बैठने दूं आप रिटर्न में लिख कर दीजिए कि कल से ये गुंडे मवाली पढ़ने आएंगे तो मैं जाने दूंगी अरे ये हद कर रही हैं आप मेरे को एक ही बार में गुंडा मवाली सब बना दे रही हैं आपका बिहेवियर ही ऐसा है अरे ये कैसी बात कर रही हैं आप ना एक काम करिए आप पढ़ाई ना आप मेरे को मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों दे रही हैं यहाँ पे नहीं तो क्या दादागिरी करोगे बदतमीजी करोगे मैंने ये कहा कहा तो नहीं मगर इसी बात से तो डराते हो आप लोग यही तो एक काम कर सकते हो और क्या कर सकते हो मैडम एक काम करते हैं इन्हीं क्लास में बैठने देते हैं और मैं बाहर चली जाती हूँ अरे नहीं मैम आप एक काम करिए आप क्लास में पढ़ाइए हाँ मैं जाता हूँ मैं नहीं चाहता हूँ मेरे वजह स्टूडेंट्स का पढ़ाई खराब हुआ एंड आई रिमेम्बर दैट मैम आई विल गो चल चल आप क्लास जारी रखिए okay, मैं इनसे बात करती हूँ ओके स्टूडेंट्स अब है इतना टाइम हो गई अब तू खाना भी ना खिला आई टेंशन में काहे घूमत हुआ भाई जाता भी अभी हमके जा तो हमके ना खाएगा अरे बात का बताइबा अरे बहुत दिमाग खराब है यार प्लीज यार प्लीज अरे लेकिन कहाँ है एक बात बताओ भाई ये भाई हमका बुरा आदमी है बिल्कुल ना हाँ क्यों के साथ बुरा के लिए आई ये तो हमने देख लिया ना तब यार एक बात बताओ वो ऐसे कैसे हमको उठा के वो क्लास से बाहर फेंक दिलस ऐसे कैसे हमको जलील कर सकती है अगर टीचर ना रहता भाई तो
खाली 10 मिनट नहीं, खाली 10 मिनट यार। अरे यार 10 मिनट लेखो के चक्कर में उनकी क्लास से बाहर निकाल दी, सबके सामने सलूट करूं आपके ब्लडी टीचर यार। अब है, अरे वो तो हार्ड टीचर है, हमार ना है। अब ओकरा के हम बताई कि केकरा भाई से, अरे अरे सॉरी अरे भाई, सॉरी भाई, भाई गलती से जान मुझके मत, नहीं भाई गलती से। अब ओकरा के हम बताई वो केकरा भाई के इंसल्ट कइले है, तो टेंशन मत ला। सोनू मैंने तुमसे कितनी बार कहा था ना कि गाड़ी को सर्विसिंग में दो, क्यों नहीं दी तुमने? तुम मेरी सुनते क्यों नहीं हो? तुम्हें पता है मुझे कॉलेज के लिए कितना लेट हो रहा है, और तुमको पता है मैं कितनी पंक्चुअल हूँ। तुमको मैंने कितनी बार कहा था कि स्कूटी को दो सर्विसिंग में, तुमने क्यों नहीं दी बताओ मुझे? अब मैं लेट हो रही हूँ और... अरे रवि सर, रवि सर आज आप फिर हमारे लिए संकट मोचन बन के आ गए। दीदी ये रवि सर हम जौन हमार हमेशा हेल्प करें ले। अच्छा? इनकी वजह से हमार ऑफिस में नौकरी बच गेल रहे। हेलो सोनू, आपकी बहुत तारीफ करता है, आपसे मुझे मिलना ही था, लेकिन ऐसी मुलाकात होगी मुझे पता नहीं था। अरे कोई बात नहीं, मुलाकात तो मुलाकात होती है, अब चाहे कहीं पे भी हो लेकिन मुलाकात होनी चाहिए। वैसे सोनू बहुत अच्छा लड़का है, ये बहुत मेहनती भी है, इसका फ्यूचर ही बहुत ब्राइट है। सर प्लीज एक और हेल्प कर देंगे? हाँ बोलो। सर दीदी को कॉलेज छोड़ देंगे? अरे वरना इनको अगर लेट हो जाएगा तो धरती आसमान सर पे उठा लेंगे सर, हिला देंगे एकदम, भूकंप आ जाएगा सर। अरे नहीं नहीं सोनू, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि इसी शहर मैं भी रहता हूँ, भूकंप आ गया तो कहाँ पे जाऊंगा। चलिए आप आइए। लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आइए ना, आइए। तुम गाड़ी को ठीक करके लेके जाओ। आप आइए, आइए। बैठो। थैंक यू रवि सर। बंधन है प्यार के, बंधन है प्यार के, बंधन है प्यार के, बंधन है प्यार, बंधन है प्यार के, बंधन है प्यार के, बंधन है प्यार के, बंधन है प्यार के। थैंक यू, वेलकम। मेरा भाई भी इसी कॉलेज में पढ़ता है। अच्छा? हाँ, और मुझे एक मैडम से मुलाकात भी करनी थी, तो आइए ना। नहीं 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 आज नहीं, आज क्योंकि मैं लेट हो जाऊंगा, फिर कभी। ओके बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। यह हरकत किसने की है? मैंने कुछ पूछा, यह हरकत किसने की है? मैंने कुछ पूछा, किसने की है? चेहरा देखा है? कहां देखा था, वो बाइक चलाते सीधे चला जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से मैडम ने पकड़ा था, का बॉयफ्रेंड था। तेरा ना दिमाग खराब हो गया बे, इसका भाई भी तो हो सकता है बे। अरे नहीं, जिस तरीके से वो बाय और स्माइल दे रही थी, पक्का उनका कोई आशिक ही था भाई। तब तो पता लगा हुआ है, इस बार ना मैडम पे नहीं, मैडम के दिल पे वार करेंगे, चोट तो मैडम को ही लगेगी। ठीक है भाई, जल्दी पता करते वो कहां रहता है। भाई बैठ कर दीजिए
भैया हाँ ये भिंडी कैसे देता हुआ? 20 रुपया किलो। 20 रुपया किलो है तो आधा किलो भिंडी दे दा। और लौकी कैसे देता हुआ हो? लौकी 30 रुपया किलो। लौकी रखा लेकिन नरम निकाल के रखिया। ठीक है ठीक है। पालक आज का है कि काल का है? नहीं ज्यादा उतना का हो। अच्छा ये लौकी कितने की है? 30 रुपए किलो मैडम। अरे आप यहाँ सब्जी खरीदने के लिए आया था? मतलब आप सब्जी भी खरीदते हैं? हाँ मैं सब्जी बनाता अच्छा। भी हूँ। अच्छा आपकी गाड़ी ठीक हो गई? अरे वो हाँ हाँ हो गई। सही में? हाँ। आप चाय पीती हैं? नहीं, नहीं मतलब मैं बहुत कम पीती हूँ, बहुत कम। हाँ। थोड़ा थोड़ा पीते हैं ना? हाँ चले। लेकिन सब्जी? सब्जी मैं बाद में ले लूंगा, पैक करा लूंगा। अच्छा ठीक है भैया, पैक करके रखा माओ थी। हाँ सर। चलिए रखा रखा पीजिए। मेरे लिए शक्कर थोड़ा सा कम है, आपको दूं? अरे नहीं 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 नहीं, मैं शक्कर थोड़ी कम ही लेती हूँ। ओके एक मिनट। दिखाइए मुझे। वाह ब्यूटीफुल, भेज दीजिए मुझे। तो नंबर ले लीजिए ना नंबर। हाँ 996 2 0 6। मिला जी? आ गया आ गया, देखिए। वाह ये बंधन हाँ प्यार के। हाँ थैंक यू। तुमने बात पे इतना नाचा दूंगा? अबे हाँ काहे इतना घुसूंगा? सुनाई नहीं दे। ओके अरे यार भैया यार कौन बात पे इतना नाचा दूंगा? पूछा मत, मजा आ गया। लेकिन कहे टीचर के मुंह देखे लग रहे टमाटर जैसा लाल भाई, टमाटर जैसा लाल। मजा आ गया यस। लेकिन भाई का टीचर के ना बॉयफ्रेंड है वो। टीचर के बॉयफ्रेंड मतलब? अब मतलब अगर टीचर मिले ना मिले, लेकिन जितना अगर बॉयफ्रेंड मिल गए ना खत्म, मामला खत्म। ये वो पॉइंट ब्रो, कम ऑन ब्रो। ये अब है जो दिन वो अपने बॉयफ्रेंड साथ आई ना वो दिन हम के बुला लिया। ओह यस। फिर हम दोनों भाई मिल के ओके पूटल जाई। ओह यस। लेकिन मैं पहले हम के मिल लेता ना। हां तो जरूरत पड़े बाद में। लेकिन पहले हम के थोड़ा थोड़ा छोड़ यार, हमारे हाथ में खुजली होता ना। अच्छा ठीक है ठीक है। यस फाड़ दे भाई। हेलो 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 हेलो। अरे आपकी आवाज आ रही है, मुझे सुनाई दे रहा है रवि जी। सॉरी मुझे लगा मेरी आवाज नहीं जा रही है जी। बोलिए आपने कॉल क्यों किया? अब मैंने कॉल तो नहीं किया जी। आपने ही कॉल किया? नहीं लगता वो गलती से लग गया। अच्छा गलती से लग गया तो ठीक है, मैं रखती हूँ, बाय। दरअसल मुझे नींद नहीं आ रही थी तो
मैंने सोचा आपसे बात कर लेता हूँ। अच्छा? तो आपको नींद नहीं आ रही थी तो आपको लगा कि आप मुझसे बात कर लेंगे तो आपको नींद आ जाएगी। अब ऐसा ही समझिए। ठीक है, मुझसे बात हो गई तो अब तो आपको नींद आ जाएगी। गुड नाइट। दिव्या जी, जी एक बात और है। जी बोलिए। क्या कल फिर से एक बार चाय पी सकते हैं? चाय? ठीक है, सुबह 8 बजे। ठीक है, डन। 8 बजे डन। ठीक है, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट, गुड नाइट। अभय, अभय। हाँ। टेबल पर नाश्ता लगा दे ले बनी, खा के जाया। अरे अभी तो बहुत टाइम है यार, ना सुबह सुबह कहाँ। अरे हाँ, वो आज कहा है ना कि ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है, यही नाते हमें जल्दी जाके पड़ी। ठीक है, तू जा, हम अभी सूते हैं। हाँ ठीक है, बाय। मैं आए? प्लीज प्लीज प्लीज। तो आपको मुझसे बात करने के बाद नींद आ गई? अभी ने कैसे बताऊं कि बात करने के बाद तो नींद ही गायब हो गई। आपको पता है? हाँ? आपके साथ चाय पीने के चक्कर में मुझे घर से 1 घंटा पहले निकलना पड़ा है। ओ सॉरी दिव्या जी। दिव्या जी, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? आइडिया ये है कि क्यों ना हम अगली चाय घर पे पिए, आप मेरे लिए चाय बनाएं और मैं पीऊं। एक्सक्यूज मी, चाय तो आप भी बना सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि लड़की ही चाय बनाए। अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। वैसे दिव्या जी, मैं तो बचपन से अपने हाथों से चाय बना के पी रहा हूँ। मेरी भी एक ख्वाहिश है कि काश मेरे लिए भी कोई अपने हाथों से चाय बनाता और मुझे पिलाता। बहुत इमोशनल मामला है आपका। ठीक है, चाय पार्टी डन, लेकिन किसके घर पर? अरे नहीं नहीं, मैं ये चाय पार्टी की बात नहीं कर रहा था। तो मैं तो चाह रहा था कि आप जिंदगी भर के लिए मेरे लिए चाय बनाइए और मैं पीता रहूं। तो आपको बीवी चाहिए या नौकरानी? आप मेरी बीवी बन जाइए, मैं जिंदगी भर के लिए आपका नौकर बन जाता हूं। बंधन है प्यार के, बंधन है प्यार के, बंधन है प्यार के, बंधन है प्यार के। तूने पक्का अपनी आंखों से देखा है? हाँ यार, मैंने अपने इन्हीं दोनों आंखों से देखा है। वो तुम्हारे भैया और दिव्या मैडम ही थी। मतलब मैडम के आशिक रवि भैया हैं? भाई तेरे को ना कोई गलत फहमी हुई है ब्रो, ठीक है? भैया ये सब नहीं कर सकते, समझ में आया ना? अगर ऐसा कुछ होता ना तो मम्मी को पहले बताते यार। यार कौन सा भाई अपने भाई को बताता है, और वो भी छोटे भाई को बताता है। तब तू नहीं जानता है ब्रो, हम लोग में भाई कम और दोस्त ज्यादा है। हाँ, और जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता ना ब्रो, मेरे को विश्वास नहीं होगा, समझ में आया? तो आप कुछ बताने वाले थे अपने भाई के बारे में? मेरा भाई? अरे वो तो हीरा है, लोग तो हम दोनों भाइयों को राम लक्ष्मण की जोड़ी भी कहते हैं। वाह, बहुत अच्छा जी। दिव्या,
मैंने अपने भाई को बहुत ही लाड प्यार से बड़ा किया है। बहुत नटखट लेकिन दिल का बहुत साफ है। अब कल को अगर तुम घर पे आती हो और मैंने उसको ज्यादा प्यार किया तो इस बात को लेके कभी बुरा मत। अरे कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। वैसे तुम्हारे घर पे कौन कौन है? मेरी फैमिली तो परफेक्ट है, मॉम डैड है और मैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है कॉलेज में। कैसी प्रॉब्लम? मैं जहाँ पे पढ़ाती हूँ ना वहाँ पे एक लड़का है, बहुत बदतमीज है। बदतमीज लड़का है? यही बात मेरा भाई बोल रहा आजकल कि एक मैडम है कि जो बहुत परेशान करती है। अब देखिए आपके केस में उल्टा हो गया कि वो लड़का आपको परेशान करता है। हाँ। और उसके कॉलेज में मैडम उसको परेशान करती है। टीचर कौन है? टीचर आपको पता है उसका नाम क्या है, कौन से क्लास में पढ़ता है, मतलब कहाँ पे रहता है उसका नाम? अरे, अरे, मतलब टीचर दिव्या जी, दिव्या जी, आप तो राशन पानी लेके चढ़ गई। अभी आप उसका एड्रेस पूछ रही हैं, कल को बिजली का बिल मांगेंगी, राशन कार्ड मांगेंगी, आधार कार्ड मांगेंगी। अब हम दोनों आए हैं तो अपने लिए आए हैं। हाँ। तो प्यार मोहब्बत की बातें करना चाहिए, अपने बारे में बात करनी चाहिए। अच्छा। हम दोनों के बारे में। और आप हैं कि ओके। तो उनको जाने देते हैं, जब यहाँ से फ्री होंगे तो एड्रेस निकाल के मैं आपको दे दूंगा। अबे यार, अब तो मुझे लगता है अबे बाबू ना घर के रहे ना घाट के रहे। हाँ लेकिन एक काम कर सकते हैं, ये अपने भैया से बोल के दिव्या मैडम को उनकी लाइफ से हटा सकते हैं। इस तरीके से दिव्या मैडम का लाइफ ही चौपट हो जाएगा। रंजीत एकदम सही बोल रहा है। सही बोल रहा है ना, टूटा हुआ दिल ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। हाँ, और इससे हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। मतलब अबे भाई आपका। सुन मेरा भाई सुन, ये बदला उदला क्या होता है बे? कौन सी का बदला, काय का बदला? देख भाई ऐसा है यार, दो लोगों ने जो है मिलके एक रिश्ता बनाया है, हा? अब उस रिश्ते का सम्मान करना फर्ज है हमारा, बात समझो यार। अब यार भैया जो है ना, भैया पहली बार लाइफ में पहली बार उन्होंने मेरे बारे में छोड़कर खुद के बारे में सोचा है, बात समझ रहे हो? अपने बारे में सोचा है तो यार ठीक है ना, जो होगा देख लिया जाएगा ना यार। ये बेतू की बातों के लिए तू चाहता रिश्ता कुर्बान कर दूं मैं? बकवास रे। ये भी तो अच्छा है, शादी होने के बाद तुम आराम से अपना बदला ले सकते हो भैया से बता के। हाँ लेकिन वो दोनों मिल गए तो अभय को तो निकाल के बाहर फेंक देंगे, फिर क्या होगा? अबे यार ये लोग तो सुधर ही नहीं रहा है, बाहर फेंक देंगे ये कर देंगे। भाई बोले ना, भैया जो है ना अच्छे आदमी है, वो जो करेंगे ना अच्छा करेंगे। अरे भगवान करे सब अच्छा हो भाई। हाँ भगवान करे सब अच्छा हो भाई। हाँ सब अपने हैं, तू अपना है, ये भी अपना है, सब अपने ही है। अबे ये कॉलेज छूटने के बाद कहाँ चल जाला भाई, का चक्कर चला था? बोलबा कुछ, दिल टूट गेल रहे भैया, भटकत रहनी है। दिल टूट गई वो तो हार। हाँ। बढ़िया मजाक है। और का मजाक है? आज तक जॉन भाई हमरा से एगो बात ना छुपावलस, आज वो इतना बड़ा बात हमके बताइबे ना कहलस। वाह वाह बहुत बढ़िया। अरे कौन बात, इतना बड़ा बात का कहदानी, ई नौटंकी बंद करा, बताओ का बैल। हम नौटंकी करत हैं। और का है? हाँ? तू गैल रहला मैडम के डांटे ना कि अपना दिल बांटे। मैडम 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 नहीं, झूठ बताई ना कौन मैडम? अच्छा, भैया जगरा से तू प्यार कर ले ना, मैडम है हमार। हम तो सुन लिया कि मुलाकात हो गई ला, और क्या क्या हो गई भैया? हाँ एक दो बार मुलाकात भई लिए, लेकिन चाय पे। हाँ
लेकिन ठीक है, अगर हमारा भाई के वो मैडम से मिलल जुलल ठीक ना लगा था तो हम तोरा से वादा करते आज के बाद वो मैडम से नो दोस्ती नो मोहब्बत, मतलब मोहब्बत तो बटले नवा, ठीक है? और हम पश्चाताप कर दी, हमारा के माफ कर दा, हैला पश्चाताप ऐसे कर ला तू। हाँ, पश्चाताप करके बाद तो मैडम से ब्याह करके शादी रचा के घर में लावे के पड़ी, हमार भाभी बनावे के पड़ी। हम ब्याह हम नहीं नहीं ये तो हमरा से ना हो। हाँ का बहुत, अरे बहुत शादी ब्याह मतलब मार वह ना मतलब इंटरेस्ट है शादी करके पड़ी भैया ये कोनो बात भाई। अरे नहीं भैया यार बात करके बात शादी करके पड़ी भैया। हेलो हेलो रवि, अरे हमार बेटा खुश रहा। का बात है चाची, आज बहुत खुश हो? अरे बेटा बातें खुशी की बा, सुन ली है तोरा के कोनो लड़की पसंद आ गई बा। अरे नहीं नहीं यार ऐसे कोनो बात ना, और तो आके तो पता है अब हमेशा बकवास कराला, आज के बाद ही सब ना सुनबो। ए बेटा हमरा के सुने के ना बा, हमरा के देखे के बा। कैसन बा? ठीक ठाक बानू। ए चाची चुप ना रहा, हम बताओ थाई। एकदम हूर के परी लागत या। हाँ? हाँ, एक बात बताई, हमके तो भाभी और ये रिश्ता दोनों मंजूर है, बाकी भैया के बनावल हमार बस में तो नहीं है। अब तो देख ले यार, समझा दे। ए बेटा अब काले चलल जाई सगुन लेके और रिश्ता तय कर दियल जाई। चाची इसे तू का बोलत हो? अरे हमरा के शादी ब्याह में कोनो इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी हमरा के कोनो खास पसंद नहीं है। भैया झूठ बोलत हुए, अगर पसंद ना रहे तो चाय कॉफी पी लेता है, है? बाइक पे बिठा के सिनेमा ले जाता हूँ, मंदिर ले जाता हूँ। चाय कॉफी मंदिर? ए बेटा का भाई कट गई, भाई कट गई, कट गई। देखा देखा था ना, एही नाते हम कहा तानी कि ये घर में पतोहे के जरूरत बा, हमरा के कुछ नहीं सुने के बा, हमरा के पतो चाहिए तो चाहिए। अब जल्दी से तू हाँ कह दा, सोचा मत। बोल दा, हाँ बोल दा भाई। हाँ बोल दा भाई, हाँ बोल दा, हाँ बोल दा। बब्बो अरे वो अरे चाहिदा। हाँ बस, हाँ बस। तो साक्षात इंद्र के परी लागतिया, केहू के नजर ना लगे। अरे तू लोग मुड़ी झुका के काहे बैठल बाड़ा, कुछ बोल। हाँ अच्छा ठीक बा, हमारी परिचय देता नहीं। ए बिटिया ई बाड़े रवि, और हम हई एंकर मुंह बोली चाची, और ई बाड़े रवि के छोट भाई अभय। ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे हम बताऊनी है ना, ये हवन रवि के छोट भाई अभय। लेकिन ये तो मेरे कॉलेज में। अरे अरे बेटा एमे का भाई, लड़का कुल तो कॉलेज में मन बढ़ाई करबे करल। दिव्या जी मेरा भाई जानबूझ के गलती नहीं करता है, वो गलती से गलती हो जाती है। जाने न दीजिए मैम, पुरानी बात पे मिट्टी डालते हैं, नया रिश्ता होने वाला है और पूरा घर का कमांड तो आप ही ने संभालेंगे। तू लोग एक दूसरे के जाने लगा? चाची जो उन्हें कॉलेज में अभय पढ़ा रहा ना, वह कॉलेज में ही टीचर है। अच्छा अच्छा तो ये बात है। ये तो और भी अच्छी बात पा कि देवर और भाभी पहले से ही एक दूसरा के जाना था नहीं, तो ससुराल में कबो अकेलापन फील ना हो। बिल्कुल साचो कहा तानी। भाई साहब जल्दी से शादी की मुहूर्त निकाली, काहे से कि जब लड़का लड़की राजी तो काहे तो बाजा बाजी।
मिनट। अब है? ओ, 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 कहाँ? अरे कहाँ? सुते हमार कमरा है। अरे हाँ तो के बतावल बुलाया गल नहीं, आज के बाद तू ऊपर सुतबा। ऊपर हम हाँ ना देखा बात के समझा तो हर व्यवस्था कह देली ऊपर सुत लेकर। ऊपर हम ना सुते, हम के ऊपर नींद ना आवेला, हम नहीं सुते। अब हमार बात मानो तू। अच्छा वहाँ पे सुजे ना? अरे वहाँ पे कौन? अब हम तीन ही सुतल ना ही सुतदा तू जा। हमू ना सुतनी है, हमू पढ़ाई करता नहीं, हम के यही सुते के बा हमार कमरा है। बियाने बतिया जा यहाँ से। भैया हम के सुते के बा हम तो ना माना ना मनवा ना तो क्या मार कसम तो कसम यो पहले कसम तोड़ा पहले वादा कर चली बा। अबे यार हम तो सोचत रहनी कि भाभी के हम परेशान करब, यहाँ तो हमारे कमरा छीना गई। सुहाग रात के दिन नादानी ना अच्छी लगे ले। एक्सक्यूज मी इका करतु अभी कल टाइम है और करे के टाइम है भाई यारी काता मसाला गोले हुआ। अरे हम काता मसाला गोले हुआ तू वही जैसे भगा दिला अब यहाँ पे भी आके तू चिल्ला तू। अरे देखा ना कितना अच्छा बिस्तर लोगों ने भाई सुझ जाना। अच्छा बिस्तर है मतलब कहा यार सुझ जा ये चला सुझ जाए ना। हाँ ठीक है प्लीज आओ लेकिन वहां से तो जहां हमके नींद आवेला। अबे अब है इका कर तो भाई का देखा तो से करनी ना कि तार सुतरे की व्यवस्था ऊपर कर ली। हां तो काए ऊपर आके हमके परेशान करत हुआ। अरे का मजाक करत हुआ चलो जा देखा ऐसे भी हमके नींद ना आवेला भैया अकेले जिंदगी में को अकेला ना सुतले बानी। सुनी ना आज इनके साथ ही सुत जाई कोनो बात ना। अरे ना ना एक ऐसे मजाक अकेले का आया था। अब है ना ना अरे 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 सुनो अब कोई भारी मजाक अरे सुनो Mm.
बढ़ गई तोहसे घर के रौनक घर वे स्वर्ग बुझाता खुश नसीब हम भैनी जब से तोहसे जुड़ल नाता हमारा के अनमोल बनवल भगिया हमर जा गयो पाके तोहरा नियन मन के सवरिया जिंदगी में चार चांद लग गए मन के कोठरी में हो गई लंजुरिया जिंदगी में चार चांद लग गए घर के लक्ष्मी के कीमत अब शादी बाद बुझाइल जिंदगी में असली बहार तो अब जाके आइल धन भइन प्यार परिवार के हम पाके सिनुरा के कीमत जननी ससुरा में आके एक क्षण ना दूर रहला अजब लगन लागिल जिंदगी में चार चांद लग गए मन के कोठरी में हो गई लंजुरिया जिंदगी में चार चांद लग गए जगमगात रहय अंगना बीचे जैसे चांद सितारा अगिलो जन्म में भी तू हमारे बनी हो दोबारा दिल के तमन्ना एगो रहल ना अधूरा जब से भेटैला सैया भइने हम पूरा तोहर मीठी बोलिया अब तो सात सुर के रखइल जिंदगी में चार चांद लग गए मन के कोठरी में हो गई लंजुरिया जिंदगी में चार चांद लग गए अरे का करत हो अरे का करत बड़े अरे छोड़ी ना आप दोनों फ्रेश होकर नाश्ता कर लीना काबिल भाभी आज अरे इस सब का आज तो हर एग्जाम है ना अरे का अभी लेट होता भाभी हमके जाए के बाद सब काम करे जा रहा हुआ ना अगर मम्मी रहती ना तो जरूर करती हाँ भाभी अब हम आ गए हैं घर में तो हम सारा नियम करब करेक्ट करेक्ट और आज एग्जाम है ना तो जल्दी उठे के चाहिए ना अब है कोनो भी काम करे तो समय से करब जी भाभी वरना बहुत बड़-बड़ ज्ञानी लोग हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देवे ले ठीक भाभी अगर जिंदगी में कुछ भी करे के है ना तो पूरी ईमानदारी से करे के चाहिए ठीक भाभी लेकिन अभी का इतना लेक्चर देता नहीं हमके लेट होता ना एग्जाम खातिर अभी ये बंधन हाँ प्यार भाभी सॉरी सॉरी जाइए
भैया हम ज्यादा नहीं ऊपर सोते हैं का कला ई बंधन है प्यार के 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 टीचर के चक्कर में ने यार भैया के परेशान कर ठीक नहीं गया यार तब भैया भी कुछ ना बोला तो ऊपर से भाग भाभी 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 जल्दी करा यार लेट होता भाभी चली ना भाभी जल्दी करी ना लेट हो रहा बा अरे अभी बहुत टाइम बा चलो अरे भाभी आप टीचर हैं आपके कोनो फर्क ना पड़ी लेकिन हम स्टूडेंट हैं हमार कॉलेज में को टीचर बाड़ी 10 मिनट लेट जाब ना तो सीधा क्लास के बाहर फेंक दी और ऊपर से बेइज्जती अलग लेवल के गजब के हिटलर भैया गजब के बाप रे बाप हो गई अब चली चल आराम से तनी ठीक बा चल बाय भाभी बाय अब यार भाई लोग कहाँ उड़ने चले भाई बढ़िया बढ़िया पहले ये बताओ है? तुम्हारे बीच में तो अब सब ठीक हो गया है अब ये बताओ कि भैया की शादी की पार्टी कब दे रहे हो पार्टी भूल जाओ अब पार्टी भूल जाओ भाई अब भाभी के रंग में रंगा गया है पक्का अब चाहे रंगा या सनाए शादी की पार्टी तो हमको चाहिए बताओ कब दोगे हमको पार्टी ले लेना भाई कभी आजकल कभी भी पक्का डन 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 हाँ एक बात है अब वो भाभी हो गई है टीचर नहीं है तो पहला वाला मस्ती अरे अब नहीं रहने नहीं ऐसे देख लो भाई अब पार पार की क्या चलो चलो हाँ ठीक बा चल कॉल करता नहीं भाई चल रख काल भाई कहो हाँ क्या होता ऑफिस के काम करते हैं भाई वो 5,000 रुपये चाहिए रहे यार हाँ ले ला लेकिन काहे खातिर अरे दोस्त लोग ना तार शादी के पार्टी मांगत रहे वो बहुत दिन से अच्छा ना देव तो अलग दिमाग खाई लेकिन ये पार्टी कहाँ करा वाला हुआ लोगन भाई वी डिसाइड नहीं के बटावड़ा नहीं लेकिन अच्छा डिसाइड हो ना अरे गुंडा लोग ठीक बा चलिए हम थैंक्स भाई लव यू भाभी हाँ वो एक्चुअली आज खाना मत बनाई अच्छा जाता नहीं देनी पार्टी है ना आज हाँ ठीक है चलो बाय ये लीजिए कॉफी थैंक यू अरे यार आज तो भैया की शादी की पार्टी है यार आज भी तुम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो अरे पैक लगाना भाई चुप करो भैया पैक लगाना भाई थोड़ा सा आजादी मिला नहीं कि मन बड़ी करने लग जाए क्या यहाँ पे तुम पियो ना बहुत अच्छा लग रहा है पीने के लिए पियो तुमको ना थोड़ी है पीते रहो यार कौन है बात की पार्टी इतने लोग के बुलावे का जरूरत रहा आपस में 4 लोग मिल के पी ले रहे लोग होते नहीं के चलत के चढ़ाता के उतरता अबे साले हमको पता था कि इतना लोग आने वाला है तो 2 बोतल और मंगावे चाहत रहता तो हमको बोला गया था क्या अपने मन से बुला लिया जिसको बुलाना है बकवास पे ले जा रहे हैं यहाँ पे तुम अरे भाई ये सब ना खुद के ही खुद से इनवाइट कर ले लस तारा नाम पे वो हमारे गलती है गजब यार तू लोग अच्छा कितना में हो जाए भाई कितना में हो जाए 10,000 10-12,000 15,000 20,000 हाँ 20,000 डन डन हाँ 20,000 डन अबे बाबू की हाँ बस 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 हो गई अबे बाबू की हो गई बस ए ए बेड़े को संभालो रे हाँ अरे चल रवि ए बेटा चाची का बोल चाची का बोल ये काहे कबार पकड़ ले हो अरे बेटा लगता हमार बीपी लो हो गइल बा बहुत हमरा के चक्कर आ रहल बा अरे बेटा खुश रह भगवान बनाए रखे अच्छा ठीक है हम चाबी लेके आते हां हां तनी हमरा के डॉक्टर के लगे ले चला बेटा तबीयत ठीक नहीं के का ना बेटा तबीयत ठीक नहीं बा चक्कर आ रहल बा ओ रवि तनी हमरा के डॉक्टर के लगे ले जाई बीपी हम अपॉय ले हां हां चला हां चला हम दिखा का हां बेटा आओ तनी बाय भैया भैया अरे अभय तो हर पार्टी जल्दी खत्म हो गई अरे ना ना अभी जाए के बा वो भैया कहाँ बड़े वो चाची के लेके डॉक्टर के पास गए हमें अच्छा कब आइए कोनो आइडिया
जल्दी आ जाइए, पास ही तो गेल हवे। क्या करिए अब? ठीक है बा, हम फोन चार्ज कर लेते नहीं तब तक। ठीक है। भाभी भैया अभी तक ना ही लेगा आवते होइए। अच्छा अभय तू तो इतना टेंशन में का है हुआ? अरे वो पार्टी में ना पैसा कम पड़ गए रहे, और आप तो हमारे दोस्त के जान भी कर रहे हैं सब मक्खी चूस सब। एक काम करनी, हम भैया के ड्रॉर से जाके ले लेता नहीं। हाँ ठीक बा, बाय। 17, 18, 19 ठीक है अभी हम जाता नहीं। हाँ अभय। हाँ कितना पैसा चाहिए तो रखे हम दे देता नहीं। भाभी ना काम हम हो गए, 20,000 चाहिए हम ले लेनी हो गए काम। 20,000? हाँ बाप रे, 20,000 की पार्टी कर बा? अरे भाभी लोग भी तो इतना बना। अरे यार फिर से भूल गई नहीं। अभय तो हर भाई कोनो बड़ा आदमी ना हुए और ना ही कोनो बड़ा ऑफिसर, बहुत मेहनत से पैसा कमाएलन, तोरा क्या इसे पैसा ना खर्च करे के चाहिए? ठीक बा भाभी, आप घर में स्कूल मत खोली ना, जाए दी हमके लेट हो रहा बा, ज्यादा नहीं हूँ। अभय अगर तू कमाता ना तो पैसा के कदर करता। भाभी हमार भाई हमके आज तक ना रोकलस तक का बात ये तो गलती कैले हवनू। भाभी यार भैया के कमाई के पैसा है ना, तो जे दिन कमा उनका के दे दे यार, बेमतलब के आप इतना बात कर रहल बानी। वो हमारे पति भी हवन। अरे यार तब आप ही पति वाला गेम खेले लगे यहाँ पे। अबे तू बात के गलत मोड़ पे ले जा रहल बड़ा, एक बात कान खोल के सुन ल, जब 100 रुपया कमाई बना तब तोहरा के पता चली। ठीक अभी अभी हमके बकवास ना कर, भाई की कमाई से 20,000 उड़ावल बहुत ही आसान हो। अरे बकवास मत करी ना यार, लेट हो रहा बा, कब से बोल रहा बानी जाए के हम जा रहा बानी। ठीक है इतना बुरा लगता तो तू मत जा, 100 रुपया कमा के दिखावा, आपन पैसा से मौज ऐश मस्ती करी है, बहुत अच्छा लगी। भाभी पैसा के जो भी बात बना ये हमारे भैया के बीच में है, हम का लेवे नहीं ना लेवे नहीं ये हमारे भैया के बीच में रहे थे, आप मत पड़ी ना, जे दिन हम कमा उनका के जाके दे देना। फिर भी यार मतलब आप बहुत ज्यादा अजीब रंग दिखावता नहीं, हम जा रहा बानी। ठीक बा ना, जब तक तुहार भैया ना आ जाइए तो कहीं भी ना जाइबा। अरे भाभी यार हाथ छोड़ी यार, हमके लेट हो रहा यार। ना अंदर आवा, अंदर आवा। हाथ छोड़ी ना भाभी, जब तक भैया ना आ जाइए हम ना छोड़ा। अभी हमके जाएगा बा, ठीक बा हमके हाथ छोड़ी ना, अभी हाथ ना छोड़ा। ना 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 अरे हाथ छोड़ी ना यार। सॉरी बोल, सॉरी बोल। तुम काहे बोली सॉरी यार? बदतमीज, अपने भाभी के धक्का मार के पूछे तक सॉरी काहे बोली? ये धक्का ना मार ले। अबे हम कहती सॉरी बोल, सॉरी बोल अबे। सॉरी हम ना बोल, अब एक बात बताओ तेरे, हम यहाँ पे आए हमके ना हमारे दोस्त लोग कलस, ये जो औरत है ना तारा घर आके कैसे तारा दोनों दोनों भाई में ना आग लगाई, तोरा को तोरा भाई से अलग करी, आज ना बात सच हो गई, बतावा आ, सही कदर साला हमारे दोस्त लोग, तू हमरा ऊपर हाथ उठौला, एक औरत के चक्कर में जिंदगी में पहला बेर। अरे भाई ये पैसा आना ना चाहे तोर पैसा वैसा हमके हाँ ओकरा के आज मत रोकी, अगर आप ओकरा के रोक लेनी तो वो कबो ना सुधरी। बात मानी हमार, ओके अपन गलती और जिम्मेदारी के एहसास होके दी, आपके विश्वास है ना हमरा पे, हम ओकर कबो बुरा ना चाहब, विश्वास करी हमार। अरे यार मैंने तुझे कभी पीते हुए नहीं देखा, आज तू इतना क्यों पी रहा है, सोच ले भाई। सोचने समझने को और क्या बचा भाई। आराम से
ए बाहर निकल रे ए भाई ए भाई ए भाई बाहर निकल हो ए भैया भाभी ए भैया सुतल वाला का बाहर निकले ए भैया भाई रे अबे इतु दारू पी क्या हुआ ये दारू पी लो तू ना बोल ना आवाज नीचे अबे आवाज नीचे ही मोहल्ला है और यहाँ लोग सुतत है हे भाई मोहल्ला में सुतत था लेकिन हम तो जाग गए वानी अब है हाँ भैया हमारे पास सुना हाँ भैया तू घर के अंदर चला फिर बात कर ले चला ना जाइ हम जाइ लेकिन एक शर्त पे जाइ जब हम के हमारे हिस्सा मिले हिस्सा यस हिस्सा बटवारा अबे भाई ऐसे करा जा रहा भाई अबे आपने घर से निकाल दिया अबे हमारे पास सुना भाई यह समय तू ना तोहार नशा बात करती है यह नाते घर के अंदर चला सुबेरे तो के तुहार हिस्सा मिल जाए ठीक है चल चला चलो 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 भैया भैया हम तो नशा में ना ही तू जा बाहर झूठा प्यार का नशा ना दिमाग से उतर गई बा और जौन कुछ भी तू खेली बड़ा ना हमारा खातिर जौन कुछ भी हम ना सब तोरा के चुका दे बा हम तोरा के ना तू ना ही काम करो रुका हम ये पेपर पता ना कहे लेके आयल बानी तू ये पेपर पे साइन कर दा फिर सब सही हो जाए ठीक बा तू ऐसे कर बा पता हम ऐसे कर कुछ ना कुछ तो के हिस्सा चाहिए हाँ तो के हिस्सा चाहिए तो हमार बात भी कान खोल के सुन ला या घर का बंटवारा तबह हुई जब यह घर से हमार लाश गुजरी बोली ड्रामा 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 यू आर सच अ ड्रामा बेस ताकि लोग हमके गाली दे रहे हैं भाई कि हम घर से निकाल के अकेला रहता नहीं यस 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 तू दोनों मान भाई जी भाई एकदम से बहुत बड़े लोग हम क्या ना हम ना तुम ना तू लोग की तरह ना इमोशनल ड्रामा ना कर यार आज ना भाई हम जाते हैं ठीक बा हम ना हम जाते हैं हमके माफ कर दिया हमके हम जोन करें कर प्लीज माफ कर दिया हमके हाँ लेकिन हम कहीं भी चले लेकिन एक वो बेईमान परिवार के साथ ना रहा हम जाते हैं हाँ थोड़ा से दूर ये गांव से दूर ये शहर से दूर बहुत दूर हाँ अबे रुकी ना ना हो सकला सालों साल का प्यार क्यों एक दिन में कैसे भुला सकला अरे नशा में बुद्धि खराब हो जाला हाँ तो सही कहता नशा में वो कुछ भी उल्टा पुल्टा कर सकला हमरा के जाए के हो क्यों करा के रोके खाते आखिर वो हमार भाई अबे अगर आपकी भाई है तो हमार भी तो भाई है बैठी आराम से बैठी ओकरा के अपन गलती के एहसास तो होके दी इतना आसान नहीं कि घर छोड़ के तुरंत अपन नया जिंदगी शुरू कई ओकरा के थोड़ा ठोकर तो खाई दी तबे अपन जिम्मेदारी के एहसास हुई दिव्या तू अभय के ना जाने लो एक नंबर का जिद्दी लड़का है एक बार जोन फैसला कई ली ना ओकरा के पूरा कई के ही मानी आपका लाड़ प्यार ही ओके बिगड़ ले हा
अगर आप ओकर गलती के ऐसे ही नजरअंदाज करत रहब तो आप हमेशा खातिर अपन भाई के खो दे। आज अगर आप ओकरा के संभले के मौका ना देब ना तो वो कब्बो ना संभल पाई। अगर आज आप आपके भाई के लेके कमजोर पड़ जाए तो वो हमेशा खातिर ऐसे ही रह जाए। अभी तक आप खेले ना। ऐसन कैसे चली, दो तीन दिन के टाइम तो दी, वो वापस आ जाई है। ऐसन करके खुद के दुख ना पहुंचाई। पता नहीं कहां चल गई, कौने हाल में हुई। फोन भी बंद करके रख दिल बा, और कोनो जरिया भी ना है कि ओकरा संग कांटेक्ट करी। ठीक है, वो आ जाए, लेकिन प्लीज आप तो कुछ खा ली। हमरा के भूख ना। मान पांडे जी आई रहलन। पांडे जी कहां रहलन, सबेरे से अलेही नहीं खन, दुकान बंद करके टाइम है तो भैया का चटनी देखा, चटनी कम बाऊ नहीं का ध्यान दे। पांडे जी चटनी ए भाई, हां दो समोसा लगा। ला का चाहिए भैया? भैया दो समोसा। अरे बोली भाषा से तो अपना तरफ के लगातार कहां से आए बड़ा हो भैया? देवरिया। अरे देवरिया भैया, देवरिया तो हमरो घर बा। जय हो देवरहवा बाबा। जय हो जय हो। पर यहाँ का करे आयल हवा भैया? वो काम के तलाश में आयल रही, फिलहाल तो कोनो ठिकाना नहीं है यार। अच्छा जेकरा के आयल हवा उनकर पता खो गेल का? पता ना खो गेल, हम आयल तो नहीं अकेले एकदम। आप लोग के नजर में कोनो काम वाम हो तो बताई। काम? अरे भैया कोनो काम रहे तो हमनी दुनी जाना यहाँ समोसा बनाती जा। अरे मर्दवा तू पढ़ा लिखा आदमी लगा तड़ा, एक काम करो, अरे बगल में बहुत सारा फैक्ट्री बा, जा वहाँ कहीं तोहरा के कुछ काम मिल जाओ। हाँ और सुना, काम ना मिली तो कोनो दिक्कत नहीं खे, यहाँ आके रह सकेला, जब तक काम ना मिली तब तक रहिया, कोई दिक्कत नहीं खे। आके रहिया, जैसे हमनी दू वैसे तीन हो जाए, का दिक्कत बा। जय हो देव रहुआ बाबा की। जय हो यार। नाश्ता तो कर ली? Hello sir, how may I assist you? I'm Abhay Singh. Yes. I'm looking for a job. Is there a job available right now? Sorry sir, but we are not having any vacancy in any our department at this time.
अरे जी भैया, तू लोग तो अभय का दोस्त हुआ ना? नहीं भैया, वो दो दिन से परेशान था किसी बात को लेके। हम लोग पूछे भी, फिर पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ हाँ, आ जाइए। हाँ, जी भैया। जी भैया, प्रणाम। ठीक, हाँ, मस्त। अपने दोस्त के बिना बतूले, फिर पता नहीं कहाँ गया लोही अभय। भाई एक मिनट। भैया काम वाम मिल जाएगा? भैया हमके का पता, साहब वो जा रहा लन, जाके उनसे मिलना, पता चल जाए। भाई कुछ हो तो देखिए ना। भैया वो हम ना जाने ला, वो है जाने। भाई कोनो काम हो मिलल ना? कोई बात ना, नहीं मिलल काम तो कुछ ना, आराम से यहाँ रह, आराम से खा, कोई दिक्कत नहीं खे। अरे कमल चाचा। हाँ। तारा पास कोनो काम बा का? काम काम बा, सिक्योरिटी गार्ड के करी है। हाँ तो ठीक बा, सवेरे चलिए हमरा साथ है, तैयार रहिए। हाँ आई देख लिया, चाचा लगा था कमाइन का। हाँ, लगा था। लग जाए। सिक्योरिटी गार्ड। अरे लेकिन 7 बजे गाड़ी आल रहे हो, वो एंट्री में नहीं है, सुबह तक करे के चाहिए ना यार। सर पानी में तो भर जाए। Thank you.
अभय तुहार भाई कोनो बड़ा आदमी ना हुए और ना ही कोनो बड़ा ऑफिसर, बहुत मेहनत से पैसा कमायलन, तोरा क्या इसे पैसा ना खर्च करे के चाहिए। अभय अगर तू कमाता ना तो पैसा के कदर करता। अभय अभय के कुछ पता चलल? कुछ बोलत काहे नहीं की? का बोली? जोने बात का हमरा का डर रहा वो भाई, लेकिन पूरी गलती हमार। अगर हम तोरे बात में ना आएल, अगर हम तोरे बात में ना आएल हो इतना, तो आज हमरा के दिन ना दिखे के पड़ा और अभय घर में रहा। लेकिन एक बात सुन ले दिव्या, अगर अभय कुछ भैल ना तो हम तोहरा के कब हम अपना करब। मैनेजर साहब की गाड़ी है, तुम नए आए हो, तुमको नहीं पता मैनेजर साहब की गाड़ी है, सामान उनका है, गेट खोलो जल्दी। गाड़ी को क्यों नहीं जाने दे रहे हो? सर ये जो नंबर है 7808 ये मेरे रजिस्टर में दर्ज नहीं है, ये गाड़ी यहाँ से वापस नहीं जा सकती। अंजाम बहुत बुरा होगा। सर अंजाम जो कुछ भी हो मेरे रजिस्टर में ये नंबर दर्ज नहीं है, यहाँ से बाहर नहीं जा रहे। यार ये लो 10,000 रुपये, ये तुम्हारे सैलरी से कहीं ज्यादा है। अगर जिंदगी में कुछ भी करे के है ना तो पूरी ईमानदारी से करे के चाहिए। आप 10 लाख देंगे तो भी ये गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी, समझ में आया आपको? नौकरी से निकलवा दूंगा। सर आपको जो करना है करिए, ये कंपनी के रूल के खिलाफ है, ड्यू गैरेट, यहाँ से बाहर नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। गुड, मैं सिर्फ यही देखना चाहता था कि तुम कितने ईमानदार हो, ऐसे ही ईमानदारी करते रहना। गाड़ी पीछे लो। बंधन है प्यार के, बंधन है प्यार के। ये बंधन है प्यार के, ये बंधन प्यार के। ले बेटा तो हर तनख्वाह, बहुत अच्छा से काम करता हुआ, ऐसे ही ड्यूटी करता रहा।
₹100 कमा के दिखावा। आपन पैसा से मौज ऐश मस्ती करी है, बहुत अच्छा लगी। ये पैसा आना मैडम, गेट खोलो। इतनी रात को विदाउट परमिशन नॉट अलाउड। किसका परमिशन? खोलोगे? और आप हैं कौन? जिस फैक्ट्री के तुम मामूली से सिक्योरिटी गार्ड हो ना, उस फैक्ट्री के ओनर की इकलौती बेटी हो। देखिए मैम, आप लोग जो कोई भी हैं इस वक्त, सिर्फ मैनेजर और जो मेन ओनर है वही अलाउड है। आप लोग अंदर नहीं जा सकते हैं, ओके? क्लियर? मेरी फैक्ट्री और तुम मुझे रूल बताओगे? देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे पार्टी करनी है। चुपचाप हटो, मुझे जाने दो। मैडम, आप भले ही अपने पापा के फैक्ट्री में आई हैं, पर इस वक्त आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकती हैं। ये लास्ट टाइम कह रहा हूँ मैं आपसे, इस टाइम पे विदाउट परमिशन इट्स नॉट अलाउड। मेरे तो ये गड़बड़ में होने दूंगा, एंड यू स्टे देयर, ओके? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसे बात करोगे? बेटा अभी बताती हूँ तुम्हें। ओके। हेलो, पापा कहाँ हैं आप? पापा जहाँ भी हो ना, प्लीज फैक्ट्री आ जाओ। हाँ बेटा, अब सिखाऊंगी तुझे तमीज। और नाक रगड़वा के माफी नहीं मंगवाया ना, तो मेरा नाम भी तनु नहीं। क्या हो बेटी, क्या हो गया? पापा, इस दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड ने आपकी बेटी के साथ बदतमीजी की। अच्छा? इससे नाक रगड़वा की माफी मंगवाइए। देखता हूँ। ए, हेलो सर। क्यों, क्या बदतमीजी की है तुमने? क्या बदतमीजी की है? सर, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, वो भी ईमानदारी से। सर, माफी मांगो, माफी मांगो मेरी बेटी से। सर, माफी तो मैं नहीं मांगूंगा, मेरी गलती नहीं है। और अगर मेरी गलती होती तो मैं पाँव में गिर के, नाक रगड़ के माफी मांग लेता। और रही बात डिसरिस्पेक्ट की, इंसान छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी को रिस्पेक्ट सेम मिलना चाहिए, राइट? और संस्कार की बात रही तो मुझे मेरे घर में इतने संस्कार मिले कि मैं जानता हूँ औरतों की इज्जत करनी चाहिए। अच्छा, बहुत घमंड है तुमको, बहुत घमंड है, वाह। नहीं सर, माफी नहीं मांगोगे तुम? नहीं सर। निकलो, निकलो यहाँ से। सर लेकिन अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, चलो। फाइन फाइन सर। रुको, इधर आओ। यस सर। मेरी गाड़ी में बैठो, आज से तुम इस फैक्ट्री में नहीं, मेरे घर के गेस्ट हाउस में रहोगे। पापा, देखो बेटा, ये लड़का ईमानदार होने के साथ साथ खुददार भी है। तुमको पता है, जब से ये ड्यूटी पर आया है तब से मेरी फैक्ट्री में जो छोटी मोटी चोरियां होती थी वो बिल्कुल बंद हो गई। बेटा क्या है कि वर्कर तो मिल जाते हैं, लेकिन ईमानदार वर्कर को चुनना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। वैसे भी ये लड़का अच्छे घर का लगता है, लगता है इसके माँ बाप ने इसे अच्छे संस्कार दिए हैं, शिक्षा दी है, तो इसे कैसे जाने दे, तुम ही बताओ। और अबे, तुमको तो मैं उसी दिन से पसंद करने लगा था जिस दिन से मैनेजर साहब ने मुझे वो ट्रक जाने का किस्सा सुनाया था, और आज तुमने मेरी बेटी को रोक कर अपनी ईमानदारी पर मोहर लगा दी। आज से तुम इस फैक्ट्री के सिक्योरिटी इंचार्ज हो, और सिर्फ फैक्ट्री के नहीं, मेरे घर के भी सिक्योरिटी इंचार्ज हो। और तुम्हारी सैलरी कुछ, हाँ, 70,000 रुपए, ठीक है? बैठो गाड़ी में, बैठो, चलो, देरी हो रही है, तुम भी चलो, चलो आ जाओ, बैठो।
अरे अभय बेटा, ई का कर रहल बड़ा? अरे सर, भोजपुरी। अरे भाई, हम खाटी भोजपुरिया बानी। अच्छा, पर तू ई सब का करत बड़ा? अरे सर, वो सीसीटीवी चेक करत रही है, वो रजिस्टर दनी। अच्छा अच्छा, टाइम पे कर लेके चाइना काम वाम। अरे वाह, तो से तुम्हें बहुत कुछ सीखे के पड़ी। अरे ना सर, का बात कर। गुड मॉर्निंग। अरे बेटा, बहुत अच्छे समय पर आ गए, तनी इनकर मदद कर दो। इनके घर का रहन सहन बता दो, और एक काम और करिए, मार्केट ले जाके इनके साथ में अच्छा अच्छा कपड़ा दिया थी। अरे ना सर, रुको, जरूरत ना। अरे बेटा, जरूरी हो, समझा तू है? ठीक है ना? जी पापा, इनके शॉपिंग करा देता हूं। चल। ये हम अपना हाथे से बनौले बनी खाला। आप खुद बने नहीं है? हाँ। अच्छा, पास्ता? हाँ, काहे हम खाना ना बना सके निका? ऐसा तो हमरा काबिलियत पे तो की शक बा? अरे ना ना, ऐसा कोई बात नहीं के। अरे इतना खात जाता लेकिन कुछ बोलत नहीं के। तू इंसान बाड़ा कि ना? कितना तीता बाऊ ओकरा बावजूद भी खा रहल बड़ा। जाना तरो में कितना मिर्चा बनोले बानी हम। हमारे जीवन में इतना कड़वापन बा मैडम, इतना बेस्वाद बा हमार लाइफ कि हमके एक काये तीता लागी। सॉरी, हम ता सही मजाक करत रहनी। अच्छा ये बतावा, ओ दिन गाड़ी में भी तू अपसेट रहला? मम्मी पापा के याद आ रहल बा का तो के? ना, हम बहुत छोट रहनी जब हम के हमार माई बाबूजी छोड़ के चल गई। फिलहाल भैया भाभी के बहुत याद आता। छोड़ी सभी हम कहा आपके बताओता नहीं। हम भी इंसान बानी, इतना तो समझ में आवेला। अच्छा का भेल बतावा? बंधन हा प्यार के, बंधन हा प्यार के, बंधन हा प्यार के। कमा के दिखावा, आपन पैसा से मौज ऐश मस्ती करी है, बहुत अच्छा लगी। ना ना ना, तू अंदर चल। हाँ छोड़ी ले। तू हमरा ऊपर हाथ उठाला? हाँ, एक औरत के चक्कर में ये पैसा आना? ना ना ना, चश्मा मत उतारा।
तू तो एकदम बदल गल बड़ा, पहचाने में नहीं किया बत बड़ा। अभी तन्नू मैडम के कमाल है बस। ए हेलो, फिर से मैडम। हमके तो ऐसा लागे लागल बना ये हम 40 साल के टीचर हैं। देखा भाई का हो ना कि अब तू हमनी के फैमिली मेंबर जैसन हो गल बड़ा, समझ जाना। जैसन हो गल बड़ा ना बाबूजी, फैमिली मेंबर बड़न। हाँ हाँ, तो फैमिली मेंबर जी, कल तू हमरे साथे फैक्ट्री चल बा, ठीक है ना? जी, डन। जा, सामान वामान रखे बा, बड़ा बड़ा नाश्ता कर लीजिए, जा। अबे? अरे, मैडम, ठीका? तनु, मैडम ना, लागता हमरा के तरह के आदत डलावहीं के पड़ी। वैसे हम तो आदत डाल रहल बानी। हाँ, जबकि वो नया नया काम पे जाला ना, तो ओके चीनी और दही खियाल जाला। इला। सुब काम करे जा रहल हुआ ना? अगर मम्मी रहती ना, तो वो जरूर करती। हाँ भाभी। अब हम आ गए हैं घर में, तो हम सारा नियम करब। का भेल? हमार भाभी भी ऐसे ही खिलावत रह लिया। एक दिन तुहार रोके वाला बीवी भी ऐसे ही खिलाई है। ई बंधन हा प्यार के, ई बंधन हा प्यार के, ई बंधन। ठीक, हम जाता नहीं। तैयार हो गई? जी चलो, बहुत बढ़िया। सगुन कर दे लू तू, लिया बाबा, लिया बा। चल 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 जा। आवा बेटा। हाँ, जरा सबको बुलाइए। आइए सब लोग, जल्दी जल्दी आइए। जी सर, जी जी सर, आप लोग भी आ जाइए। ये अभय बाबू हैं, आपके नए सुपरवाइजर। नमस्ते सर। नमस्ते साहब। प्रणाम साहब। आज से आप लोग इनके अंडर में काम करेंगे, ठीक है? जी सर। जी, जाइए, आप लोग काम करिए। जी सर, जी सर, चलो सर, चलो चलो चलो। अबे बेटा, मन लगा के काम करिए, ठीक है? जी सर, थैंक यू सर। अरे, एक का जरूरत नहीं हो, मन लगा के काम करा और फैक्ट्री के आगे बढ़ावा, ठीक है ना? आई टेक केयर। चलो, टेक केयर सर। रूपा। हाँ जी। जाके धनी अभय के भेज दे। जी सर। और एक कप और लेता है। जी सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। अभय बैठा। भाई, हम तू लोगन से कुछ कहे के चाहता नहीं। जी। अगर तू लोगन के पसंद आए तो ठीक हो, न तो कोनो बात नहीं। दरअसल हमें तू लगन के जोड़ी बहुत अच्छा लगेला। सर, बात
ठीक बा, लेकिन आपके और हमारे हैसियत में जमीन आसमान के फर्क बा। भाई देखा, हम पैदाइशी अमीर ना है, अपने मेहनत के बल पर आज ही स्थान पर पहुंचल है, और जो एम्पायर तो देख रहा बाला ना, एके बनाए में हमार कोई मदद कही ले बा वहू निस्वार्थ भाव से। पर एक दिन पता नहीं वो कहां चल गई, तब से आज तक हम उनके ढूंढ रहे बने, पर ना तो वो मिलन न उनकर परिवार। और रहल बड़ छोट के बाद, तो कोई बड़ छोट पैदा ना होला, हर आदमी अपने कर्म से बड़ा या छोटा होला। हर तू तो एगो कर्मी योद्धा बड़ा, हर हमारे हैसियत कुछ हो ना, जौन कुछ भी हमारा हो सब हमरे बेटी का। सर बाकी हमके मंजूर बा, लेकिन तनु के पूछे के चाहिए शायद। हमरा पापा के फैसला मंजूर बा। ना बेटा, हमार कोनो दबाव ना हो, हमके फैसला मंजूर बा पापा। सर एक प्रॉब्लम और है। प्रॉब्लम का? सर हम चाहिए कि जिंदगी के गुजारा तनु हमरे तनख्वाह में करे, और हमके आपके जायदाद में से एक रुपया ना चाहिए। बेटा ये कह के तू हमार दिल जीत ले, हमके हमार दोस्त या तक। और बिटिया रानी, हम तो आर बाप है, तू लोगन के बीच में जोन कुछ भी चलत रहे ना, हम सब देखत रहनी। तब है बेटा, बिया का तैयारी करल जाए। और आप तो सब जानबे करी नहीं ना, भैया भाभी के आशीर्वाद के बगैर शादी। अरे बिल्कुल बिल्कुल, भैया भाभी के आशीर्वाद से होके चाहिए। एक काम करा, लोगन के बुला ला फटाफट। देखा भाई बेटा, माँ बाप का दिल ना बहुत बड़ा होला, वो अपने औलाद से नाराज हो सकेलन, बाकी रिश्ता कब्बो न तोड़ेलन। तुहार भाई भाभी वो तो तोरे खातिर तोरे माँ बाप से बढ़ के बाड़े। ए बेटा जा और उन लोगन के खबर करता। अरे घबरा मत, वो लोग नाराज न होइयन, वो तो तुहार तरक्की देख के खुश होइयन। तुहार भाभी तोरा के ऐसे ही बनावे के चाहत रहनी ना। ठीक है बेटा। बता दी, भूल अब ना हम आवाज़ धड़कन
से गोरी तार मन के झन्नाला पायल के घुंघरू जब बाजे पागल ये पगला जाला तोहरे लचम के लाइक संस्कारी बाड़ू पहन ले तो साड़ी बाड़ू हम हूँ कुमार बानी तू हूँ ता कुमारी बाड़ू तुहरा खातिर ताजमहल बनवा दे चाहत में कहत रूह तक दिखा दे कहत तुहरा खातिर ताजमहल बनवा दे करा पल जल्दी इंतजार के लइका संस्कारी बाड़ा सोना के पिटारी बाड़ा तो हर जोड़ नहीं खे बड़ा मन हरी बाड़ा भाभी भैया 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 उठा भैया उठा भैया 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 अब है भैया कहीं ले बाड़ा भैया दारू सिगरेट भैया तू तो सुपारी भी ना खात रहा भैया अब तू आगे लेना हम ओदा करते अब दारू के हाथ भी ना लग जाए भैया भैया भाभी कहाँ बाड़ी भैया भाभी भाभी कहाँ बाड़ी भगा दे नहीं करा के वगैरह वजह से हम तुहरे ऊपर हाथ जोड़ने बकरे वजह से हमारे भाई हमारा से दूर हो गए यही रहते हैं बकरा के अपना से दूर कर रही अब यह घर में ना हम दोनों भाई रह ले सिर्फ हम दोनों भाई और क्यों ना काहे के लिए लेकिन नहीं साहब काहे भगा दिला यार भगा काहे दिला अब है तुहरा गईला के बाद हम एकदम अकेला हो गए नहीं हमरा के कुछ समझ में नहीं क्या उतरे कि का करी का ना करी विद्या से भी अनबन बढ़ गई फिर धीरे धीरे आज अभय के जन्मदिन बा बंद कराई नाटक दिव्या
बंद करा। का कल रहा लुए? अब जब घर से बाहर जाई तो करा के ठोकर लगी, और ठोकर लगला के बाद सुधर जाए और फिर घरे वापस आ जाए। कहा है अब कहा पता नहीं कोने हाल में है कहा, कोनो खोज खबर भी ना होगा। और तुहरा के बर्थडे मनावे के कहा चल गई भाई, अपना भाई के अनाथ बना के कहा चल गई लाभ है अभय 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 कहा चल गई लाभ है, हमरा के छोड़ के कहा चल गई लाभ है अभय भाभी ना भाभी मार लिया भैया, आज हम कुछ भी माने भाभी की वजह से बानी भैया, महीना के 3 लाख रुपया कमाई लो भैया, आज अगर भाभी ना हो तो हम ये सब कैसे कर पाए थी भैया। भैया गलती तो मार रहे ना, नसला टाइम के कदर ना अच्छा इंसान बन पाऊनी, इतना बदतमीज रहनी भैया। तू ही कहा खेला भैया, तू ही कहा खेला भैया। भाभी भाभी हमके असली मायना सिखौलस, समय के कदर का होला, ये रिश्ता का होला, प्यार का होला। भैया भाभी ये घर में आके माई के कमी पूरा कैलस, हमरा खातिर तो माई के कमी पूरा कैलस भाई। भैया तू ही बहुत गलत खेला भैया, बहुत गलत खेला भैया, बहुत गलत खेला भाई यार। अबे हमसे बहुत बड़ी गलती हो, अबे एक काम कर लिया हम दोनों भाई मिलके ना दिव्या के खोज ले। चला भैया तू हालत देखा अपन भैया ऐसे ही बा बैठा 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 यार भैया बैठा काल बुला लेने बड़ा यार खाओगे भाई। हम ना भैया हम भाभी के ढूंढ के लाए, जहां कहीं भी हो ना हम उनका ढूंढ के लाए। हाँ तू तू 10-15 मिनट रुक कर देखा भैया, ये बंधन हाँ प्यार के। हाँ हेलो, हाँ तनु, हाँ भे बोला ना यार, सब कुछ बर्बाद हो गया यार। का भैला भे? मैंने अपने भाभी के बारे में बताया था ना,
वो घर छोड़ के भाग गया यार। घर छोड़ के चल गई ली? कहाँ और काहे? हुआ ये कि मेरे जाने के बाद ना भैया भाभी में बहुत झगड़े होने लगे। अभय तू परेशान मत होगा, काम डाउन हो जा पहले, शांत हो जा पहले। हम आवत आनी, फिर हमनी के मिल के भाभी के ढूंढे के, लेकिन तब तक तू अपन ध्यान रख, शांत हो जा, रिलैक्स रह एकदम, हम जल्दी आवत आनी। मतलब अभी तक भाभी के कुछ पता ना चलल, कोनो रिश्तेदार होके कोई तो कुछ बता दी। सब जगह पता कर लेनी, सब जगह फोन वो करवा ली, जा के सब जगह खूब ढूंढ ली, लेकिन कहीं पता ना चला। मतलब ऐसे कैसे बिना कुछ बताओले ऐसे गायब हो गई भाभी? हमार बिटिया बहुत ऐसा अभिमानी है, हम ओके बचपन से जाने नहीं। हमार दिव्या झूठ बर्दाश्त ना कर पाए ले और वो घर छोड़ दे ली। प्लीज हिम्मत रखें, हम अपना भाभी के बहुत अच्छा तरीका से जाने लिए, वो ऐसा ना कर सकेली, कोनो गलत कदम ना उठाई, हमने के उनका के मिल के ढूंढल जाए। आप फिकर मत करी। बंधन हाँ प्यार के, पानी मिली? पानी इली। भाई एक मिनट, इनका के देख ले पड़ा। हाँ भैया, आगे एगो अनाथ आश्रम बा, वहाँ ही रहेली। पक्का भाई? हाँ भैया पक्का, बोलो तड़न भाई। जी भैया, इनके के देख ले पड़ा। हाँ भैया ये बाड़ी।
संसार में जे भी प्राणी वस्तु और स्थान है भाभी मिल गई। इस संसार में जो भी प्राणी वस्तु और स्थान है वो सभी पुरुष जाति या स्त्री जाति के होते हैं। देखा लोग, पढ़ा लोग, समझा लोग। भाभी अपना भाई का माफ कर दे भाभी, प्लीज भाभी, ये सब हमारी गलती है भाभी, हम माफी मांगता नहीं भाभी। घर चली भाभी, हमने के आपके बगैर ना रह पाए, सॉरी, बहुत बड़ा गलती हो गई, हम पापी बानी, प्लीज घर चलिए भाभी। अब ये हमार घर है, ये बच्चा लोग ये हमार परिवार है, हमार सपना है कि हम यहाँ पे स्कूल खोली, इनके शिक्षा दी, हम ना जा सकेंगे, प्लीज। भाभी ऐसा बात ना, आपके बगैर वो घर वो खंडर हो गई बा, रिक्वेस्ट करता नहीं भाभी, भाभी आप ना चल अपना, हम कैसे लगी हमार माई हमसे दूर हो गई, फिर से हाथ जोड़ता नहीं भाभी, प्लीज भाभी साथ चली भाभी, अब भाभी ना हमार माँ है। जिद ना करा भाई, वो घर में रखल काबा हमरे खातिर सब कुछ खत्म हो गई, तोहर भाई अपमान सम्मान वो घर में सिर्फ हमार खातिर कलंक है। भाभी अगर आपके बगैर सुना, अब भैया की हालत ठीक नहीं है, हमरा से बहुत बड़ी गलती हो गई। हमरा से बहुत बड़ी गलती हो गई, भाई के प्यार में इतना अंधा हो गया रहनी कि समझ ही ना पावत रहनी कि अभय खातिन का सही है का गलत है। लेकिन दिव्या तू हम दोनों भाई का हाथ पोल देनी, और अभय आज जौन मुकाम पे है ना सिर्फ और सिर्फ तुहरे वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुहरा वजह से। हमके पता है कि हमार गलती माफी के लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी माफी मांगते हो सके तुम्हारा के माफ कर दा ना जी, दोस्त आपकी नहीं की, समाज के हो, सोच के हो, और सिर्फ घर तोड़े ली, लोग आसानी से कह देला कि भाभी माँ है, लेकिन माँ तो कान खींचे ली, मारे ली। अगर भाभी भाभी माँ हो खेली तो उनके ये अधिकार काहे ना दिहल जाला। आप ही बताई हमें बच्चा लोग के छोड़ के कहा जा सकेंगी, ये लोग हमरा खातिर सब कुछ, ये लोग के केहू नहीं खे। जब हम अकेली रहली तब हमके पता चला अकेलापन का होला। भाभी भाभी मत रो, हाथ जोड़ा था नहीं भाभी, हमने के कुछ ना कुछ करल जाए, आपके सपना पूरा करल जाए, भाभी घर चली भाभी, आपके घर हमने के ना जी सके नहीं, प्लीज भाभी आपके पाँव पड़ते हैं भाभी, भाभी प्लीज प्लीज भाभी घर चली भाभी, प्लीज भाभी हमने के मर जाए भाभी, प्लीज भाभी। अबे आज सीता ना राम त्याग दी, हर बार एक लड़की ही अपन घर अपन परिवार
यहाँ तक कि अपन सपना का त्याग कर देले सिर्फ और सिर्फ अपन पति के खुशी के खातिर। लेकिन अब दिव्या हमारे साथ है ना, हम दिव्या के साथ ही रहा। आज से दिव्या के सपना के पूरा कैल ही हमार सपना बा। दिव्या का सपना हमार सपना। हाँ भाभी, हमने के ना मिल के आपके सपना के पूरा करल जाए। और जहाँ राम सीता रही हन, लक्ष्मण भी वहीं रही। हाँ दीदी, आप परेशान मत होगी, हम सबके मिल के ये जब बहुत बड़ा स्कूल बनावल जाए, जहाँ पे अनाथ और गरीब बच्चा की शिक्षा मिले, आपके सपना हम सबके मिल के साकार कर जाए। हाँ भाभी, ठीक है। हाँ भाभी, हम एक से प्यार करेला यू करेली और हमने के शादी करी के चाहता नहीं। अभय, प्राउड ऑफ यू। सॉरी भाभी। से खुशबू अलग होके ना जैसे बगैचा निखरे, ओसो ही ये परिवार के संगत आपस में ना बिखरे। फूल से खुशबू अलग होके ना जैसे बगैचा निखरे, वैसे परिवार के संगत आपस में ना बिखरे। भले ही दहिया कई गो होके एक ही रहे विचार के, ई बंधन हा प्यार 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 के। एक से बढ़के एक सुपरहिट भोजपुरी फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।